मित्रों अभी कुछ दिनों पहले हम लोग इसी जंतर मंतर में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आपातकाल विरोधी दिवस मनाया था और उसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक कर्म के माध्यम से आपातकाल के बारे में बातचीत की थी और हमने ये भी कहा था कि आपातकाल जो जिस समय ये लागू हुआ और आज तक वो आपातकाल अपनी एक चरम सीमा पे है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आपातकाल की जो परिस्थितियाँ थी उससे कहीं ज़्यादा विकट परिस्थिति आज हमारे सामने पेश है। आज कमल भारती हो या वो कार्टूनिस्ट हो जो बंगाल में कार्टून बनाते हैं या वो कार्टूनिस्ट है जो महाराष्ट्र में पकड़े जाते हैं, इस तरह की जो एक अपने ढंग से जो भी अपने ढंग से काम कर रहा है, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी अपने स्थानीय नेता है, वो समझते हैं कि उनके जिम्मे उनके पास कानून की पूरी छूट है और ये है भी, क्योंकि हम लोगों ने न्यायपालिका को इतना ऊंची जगह पे पेडेस्टल पे बैठा रखा है कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। जब कमल भारती फेसबुक में दो पंक्ति लिखते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी पार्टी उसी सत्ता दल के जब एक बड़े नेता ये कहते हैं कि सरकार हमारे प्रदेश से IAS को वापस दे दे, उस व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाता जो कि गैर संवैधानिक है। आप एक राष्ट्र में रहकर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आप सत्ता में हैं, क्योंकि आप केंद्रीय सरकार के साथ आपके समझौते हैं, इसलिए कानून को जिस जैसे मर्जी वैसे आप उसको मोड़ रहे हैं और अपने सुविधा के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, कमल भारती का जो मुद्दा है वो हम सबका मुद्दा है और केवल ही उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में विभिन्न प्रदेशों में कमल भारती जैसे लोगों को जिससे सजा न मिले, गैर गलत नियमों के अनुसार गलत ढंग से उनको न बंद किया जाए, उसकी कोशिश होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे जनसंस्कृति मंच ने लखनऊ में अन्य लेखक संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है, गोष्ठियाँ की है, इलाहाबाद में की गई है, दिल्ली में कर रहे हैं और ये इसको रोका ना जाए जब तक उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं और जब तक सरकार माफ़ी नहीं मांगती तब तक हम इसको नियमित चलाएंगे, हर शहर में हर गांव में इसको आगे ले जाएंगे। और फेसबुक का इस्तेमाल अब और भी ज़रूरी हो गया है कि हम लोग जो आज यहाँ मिले हैं, जो बातचीत हो रही है, इसको अपने अपने मित्रों तक पहुँचाइए, चाहे ईमेल से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे आपस में चाय की दुकान में बातचीत करते हुए किस विषय को ताज़ा रखिए कि ऐसा क्यों है कि जो भी नियम है, जो भी कानून बनते हैं वो कानून की पूरी तरह से उपेक्षा करके राज्य सरकार अपने ढंग से कानून बनाती है। आपको कार्टून बनाना जो है ये गैर कानूनी हो जाता क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती। राज्य सरकार के हाथ में इतनी ताकत कौन देता है और क्यों सरकार केंद्रीय सरकार खामोश रहती है, इन सब सवालों पर ये हमारे विचार अंतिम विचार हैं। ऐसा न मानते हुए दूसरों के विचार को भी सुने और इस बहस को लोगों के बीच में ले जाए, मेरे ख्याल से सांस्कृतिक कर्मियों की ये सबसे बड़ी देन होगी कि वो बहस को जिंदा रखें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।